दोस्तों, मैं डॉक्टर अरशद कामदार 40 साल से बाल रोग तज्ञ हूं, लेकिन 2 साल से मैंने चिंता और तनाव के ऊपर अनेक पठन किए, चिंतन किया, रिसर्च किया और गुजराती में 2 पुस्तक भी लिखे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम चिंता और तनाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है चिंता निकालने के लिए कुछ न कुछ काम करते रहो। दोस्तों, हमारा मन बंदर जैसा है, खाली पड़ा मन कुछ न कुछ नकारात्मक या तो बुरे बनाव के बारे में सोच के हमेशा चिंता और निराशा से भर जाता है। दोस्तों, हमारा मन एक साथ 2 विरुद्ध प्रकार के आवेग ला ही नहीं सकता है, लेकिन हमारे मन में दुख, क्रोध, असंतोष, गुस्सा आदि नकारात्मक आवेग ज्यादा आते हैं और निवड़ा पड़ा हुआ मन वो ही सोच के दुख में आ जाता है, चिंता में आ जाता है। इसके बदले अगर आप कुछ काम में लग जाओ तो मन उसमें व्यस्त हो जाता है और फिर मन में फालतू विचार आते ही नहीं। जब भी तुम निवरे पड़ो, काम से फारिग हो जाओ या तो निवृत्ति के समय में ऐसे ही बैठे रहने के बदले कुछ न कुछ काम करते रहो। अपने शौक के काम जैसे कि चित्र काम, बाग काम, डांसिंग, म्यूजिक, कुछ भी करके मन को व्यस्त कर दो। मन में फालतू विचार आएंगे ही नहीं और सीधी नींद आ जाएगी। अगर बड़ी उम्र का आदमी ये सब ना कर सके तो शांति से सोते सोते प्राणायाम करे या अच्छे किताबों का पठन करे, जिससे मन उसी में लगा रहेगा और बुरे विचार और चिंता आएंगे ही नहीं। महान लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, चिंता और दुख का मुख्य कारण हमारा निवरा मन ही है। जब मन खाली होता है, कुछ काम नहीं होता है, तब बुरा और दुख के विचार ही आते रहते। इसके बदले जो काम दिखे वो करने लगो। अगर आप काम में व्यस्त रहोगे तो मन व्यस्त हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा और दिमाग तरोताजा हो जाएगा। जो इंसान काम में रहता है उसको चिंता और दुख सताते ही नहीं। हमारा मन एक साथ 2 विरुद्ध आवेग नहीं सोच सकता। इसका एक सुंदर उदाहरण अब हम देखते हैं। मुकेश की ऑफिस में बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाकर नौकरी से निकालने का मेमो दिया। मुकेश चिंता और निराशा से हैरान हो गया। घर पहुंचकर उसने सुख में और चिंता हटाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। कॉमेडी सीरियल्स देखी, कॉमेडी पिक्चर्स देखे, जोक्स पढ़े, लेकिन उसका मन चिंता में व्यग्र था, इसके लिए उसे सुख मिला ही नहीं। रात को पत्नी के साथ वो सहवास भी नहीं कर पाया। उसे हुआ ये क्या हो गया? लेकिन दूसरे दिन बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाकर समझाया, मैंने गलती से आपको मेमो दे दिया है, आपका काम तो अच्छा है। मुकेश खुश हो गया, उसका मन चिंता से हट गया। घर पहुंच के उसे हर बात में सुख और आनंद मिलने लगा। देखा मन का प्रभाव। पुरुषों के बदले महिलाएं ज्यादा साल जीती है, इसका यही कारण है। निवृत्ति के बाद अगर पुरुष कुछ काम न करे तो उसका निवरा मन कुछ न कुछ आड़ा टेढ़ा सोच के दुख में और चिंता में ही रहता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे बीपी, बदहजमी और अनिद्रा की बीमारी हो जाती है और धीरे धीरे उसका आयुष्य कम हो जाता है। जबकि महिलाओं में निवृत्ति जैसा होता ही नहीं। महिलाएं घर काम में, रसोई में, पोते नवासे के साथ कुछ न कुछ काम में व्यस्त ही रहती है, इसके लिए उसका मन चिंता और तनाव में कभी आता ही नहीं। हमेशा चिंता और दुख और तनाव से मुक्त रहने का एक ही उपाय मन में रखो, कुछ न कुछ काम करते रहो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करो,
शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।